एडवांटेज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, कुछ एडवांटेज को देखते हैं, बेसिक एडवांटेजेस हैं, ठीक है। सभी को तो हम लोग यहाँ नहीं देखेंगे, जैसे पहले देखते हैं उसको तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेंटेन द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम, और दूसरा है मीनिंगफुल एरर रिपोर्टिंग। मेंटेन द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर आप एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, अगर आप एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करते हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए कि एक्सेप्शन को अगर आप हैंडल नहीं करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। जैसे कि आपने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, एक पूरा प्रोग्राम है आपका, मान लीजिए कि इसमें आपने लिखा हुआ है कोड, लिखा हुआ है पूरा, बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, ठीक है। एक ये पहला लाइन है, दूसरा लाइन है, तीसरा लाइन है, चौथा लाइन है, पाँचवा लाइन है, छठा लाइन, 10 लाइन, मान लीजिए कि 10 लाइन आपका कोड, 10 लाइन का आपका कोड है, और 7वें लाइन पर आपका एक एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और उस एक्सेप्शन को आप हैंडल नहीं करते हैं तो 7वें लाइन पर ये प्रोग्राम आपका एग्जिट हो जाएगा, और 8वां 9वां 10वां जो आपने कोड लिखा हुआ है वो भले ही कुछ और टास्क परफॉर्म कर रहा हो बट वो कोड रन नहीं करेगा, बिकॉज आपका 7वें लाइन पर एक एक्सेप्शन क्रिएट हुआ और आपका प्रोग्राम एग्जिट हो चुका है, जस्ट बिकॉज आपने अपने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया था। लेकिन वही अगर आप उस एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं एक प्रोसेस के थ्रू कि हाँ इस तरीके से अगर ये एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है 7वें लाइन पर, मुझे लगता है कि ये मेरा एक्सेप्शन क्रिएट होगा, इसको मैंने इस तरीके से हैंडल किया हुआ है, तो वो एक्सेप्शन क्रिएट तो होगा ही होगा, लेकिन उसके बाद भी आपका जो रेस्ट ऑफ कोड होता है वो एग्जीक्यूट आपका होगा, ठीक है। एक्सेप्शन क्रिएट होने के बाद भी आपका जो बाकी का कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज आपने उस एक्सेप्शन को हैंडल किया हुआ है अपने प्रोग्राम में, ठीक है। वही मेंटेन द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम, यानी कि फ्लो ऑफ प्रोग्राम को आप मेंटेन करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू। मीनिंगफुल एरर रिपोर्टिंग, मीनिंगफुल एरर रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है कि जब भी आपका एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है तो आप उसको उससे एक एरर देते हैं अपने यूज़र को या फिर अपने प्रोग्राम में कि ये जो एक्सेप्शन हो रहा है ये इस वजह से हो रहा है, ठीक है। आप अननोन नहीं रहेगा, जो भी इसको देखेगा, जो भी इस प्रोग्राम को रन करेगा वो अननोन नहीं रहेगा कि ये एक्सेप्शन क्रिएट हुआ तो इसका क्या मीनिंग हुआ, मतलब ये क्या है। उसमें से आप उसको बता दे रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू कि ये एक्सेप्शन है और इससे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और या गाइस, ये कुछ बेसिक एडवांटेज हैं, अगर आप इसके बारे में और मतलब एडवांटेज इसके और एडवांटेज जानना चाहते हैं तो आप जावा का जो डॉक फाइल होता है ऑफिशियल पेज का, वहाँ से आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।